नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की क्लास में। देखो, मैं बात कर रहा था एमओटी की, आणविक कक्षक सिद्धांत की। तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ अवधारणाएं बताई थी, कुछ अभिग्रहित बताए थे। आज मैं बात करने वाला हूँ परमाणविक कक्षकों की रेखीय संयोग विधि। देखो, मैंने आपको कल बताया था कि जो परमाणु के कक्षक होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब वो आणविक कक्षकों का निर्माण किस तरीके से होता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, परमाणविक कक्षकों की रेखीय संयोग विधि। ठीक है, परमाणविक कक्षकों का किस प्रकार संयोग कराया जा सकता है वो हमको आज पढ़ना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इसका शॉर्ट नाम आपने सुना होगा शायद, LCAO। ठीक है, लाइनर कॉम्बिनेशन, रेखीय संयोग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो यहां पे होता क्या है, ये विधि हमारे पास क्या कहती है कि दो परमाणविक कक्षक है वो आपस में क्या कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, दो परमाणविक कक्षक है समान ऊर्जा वाले, आपस में क्या कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं, और अतिव्यापन करके नए आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, नए आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब देखो मैं लिखता हूं यहां पे LCAO, यानी कि लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अनुसार। ये विधि हमारे पास आती है, क्या कहती है, इस विधि में क्या बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूं, लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अनुसार। ठीक है, दो परमाणुओं के एक बात याद रखना, संकरण में हम केवल एक परमाणु के कक्षकों को मिला रहे थे, यहाँ पे दो परमाणुओं के कक्षकों को मिलाएंगे। ठीक है, दो परमाणुओं के लगभग समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणविक कक्षक क्या करते हैं, परमाणविक कक्षक एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अलग एटम है, ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये अलग हाइड्रोजन है, ये अलग हाइड्रोजन है, तो ये आपस में क्या करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। ये अलग हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, ये अलग हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, आपस में क्या करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। ठीक है, अर्थात परमाणविक कक्षकों का रेखीय योग होता है। क्या होता है, रेखीय योग होता है, रेखीय योग होता है, परमाणविक कक्षकों का रेखीय योग होता है। ठीक है, और नए कक्षकों का निर्माण होता है, और नए कक्षकों का निर्माण होता है जिन्हें आण्विक कक्षक कहते हैं, जिन्हें आण्विक कक्षक कहते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग परमाणुओं के कक्षक हैं, ये आपस में क्या करेंगे, अंतर क्रिया करेंगे, और अंतर क्रिया करने के बाद
नए कक्षक बनाएंगे, ठीक है, नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आणविक कक्षक बोलते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अब इन जो ये नए कक्षक बनते हैं ना, कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, इन कक्षकों में से जो आधे कक्षक होते हैं वो तो ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं और आधे कक्षक होते हैं वो कम ऊर्जा वाले होते हैं। जिनकी ऊर्जा कम होती है उनका स्थायित्व कम होता है, जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है उन जिनकी ऊर्जा कम होती है उनका स्थायित्व ज्यादा होता है, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जिनकी ऊर्जा कम उनका स्थायित्व ज्यादा और जिनकी ऊर्जा ज्यादा उनका स्थायित्व कम होता है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, क्या, नए आण्विक कक्षकों में से, नए आण्विक कक्षकों में से आधे कक्षक कम ऊर्जा वाले, आधे कक्षक कम ऊर्जा व अधिक स्थायित्व वाले होते हैं। जो ऑर्बिटल नीचे है वो कम ऊर्जा वाले होंगे, अधिक स्थायित्व वाले होते हैं, ठीक है, तथा शेष कक्षक, तथा शेष कक्षक अधिक ऊर्जा व कम स्थायित्व वाले होते हैं। कम स्थायित्व, इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी अब कोई जरूरत है नहीं, बाद में काम आएगा, तथा शेष कक्षक अधिक ऊर्जा व कम स्थायित्व वाले होते हैं। क्लियर है? तो जब भी हमारे पास जैसे दो परमाणु हैं उनके कक्षकों ने आपस में संयोग किया तो आधे कक्षक कम ऊर्जा वाले होते हैं, आधे कक्षक ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं, ठीक है। जो कक्षक कम ऊर्जा वाले होते हैं उनकी उनका जो स्थायित्व है वो ज्यादा होता है, और जो कक्षक ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं उनका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है, ठीक है, उनका स्थायित्व कम होता है। अब जो ये कम ऊर्जा वाले हैं ना, जो कम ऊर्जा वाले कक्षक हैं, कम ऊर्जा वाले कक्षक हैं, ठीक है, कम ऊर्जा वाले जो कक्षक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। जो कम ऊर्जा वाले कक्षक हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि बंधी आण्विक कक्षक, बंधी आण्विक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। इनका जो निर्माण है, इनका जो निर्माण है वो कैसे होता है, इनका निर्माण समपोषी व्यतिकरण द्वारा होता है, समपोषी व्यतिकरण द्वारा निर्माण कैसे होता है, समपोषी व्यतिकरण द्वारा होता है। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके की तरंग है, ठीक है, और दूसरी तरंग भी कैसी है, वो इस तरीके की है, ठीक है। तो ये तरंग और ये तरंग आपस में अगर मिल जाए, एक के ऊपर एक हम रख दें तो ये इस तरीके से आ जाती है, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाती है दोनों के दोनों, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये और ये, ठीक है। मान लीजिए ये पहले वाले ऑर्बिटल के लिए है, ये दूसरे वाले ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो बंधी आण्विक कक्षक का निर्माण कैसे होता है, समपोषी व्यतिकरण के द्वारा होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक व्यतिकरण होता है विनाशी, एक होता है विनाशी व्यतिकरण, क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है, वह मैं आपको बताता हूं। तो यहां तक आप बस इतना से समझ लीजिए, जो कम ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं उनको बंधी आण्विक कक्षक कहते हैं, और इनका निर्माण कैसे होता है, समपोषी व्यतिकरण के द्वारा होता है, कैसे होता है, समपोषी व्यतिकरण के द्वारा होता है।
ठीक है, जो अधिक ऊर्जा वाले होते हैं, जो अधिक ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, अधिक एनर्जी वाले कक्षक होते हैं, अधिक ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्रतिबंधी आण्विक कक्षक, आण्विक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हमारे पास ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो, है ना, जैसे हमारे पास एक परमाणु है, दो परमाणु है ना, तो एक परमाणु का तरंग फलन कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, और दूसरे का तरंग फलन इस तरीके से हो, यानी कि एक साथ ना हो। देखो कुछ अंतर दिख रहा है, इसमें मैंने इस तरीके से वेवलेंथ दिखाई है, इसमें मैंने इस तरीके से दिखाई है। अब जब देखो मैं इन दोनों को मिला दूंगा, इन दोनों को मिला दूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से आएगी ये वाली तरंग, और दूसरे की कैसे आएगी, दूसरे की आएगी इस तरीके से, ठीक है, दूसरे की आएगी इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए बी एम ओ, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, प्रतिबंधी आण्विक कक्षक होगा हमारे पास। ठीक है, अगर दोनों समान तरह की तरंग दैर्ध्य आए, दोनों में समान तरह की तरंग दैर्ध्य आए, तो कौन सा व्यतिकरण होता है हमारे पास, समपोषी व्यतिकरण होता है, कौन सा होता है, समपोषी, और दोनों अगर अलग अलग आए, डिफरेंट डिफरेंट आए, तो कौन सा होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है, कौन सा होता है बच्चा, विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, परमाण्विक कक्षकों की रेखीय संयोग विधि। ठीक है, क्लियर है, तो दो प्रकार के कक्षक हो गए, एक तो बंधी आण्विक कक्षक और एक प्रतिबंधी आण्विक कक्षक। अच्छा, इनके अलावा एक कक्षक और होते हैं, कौन से, अबंधी कक्षक या अबंधी आण्विक कक्षक, इसको हम बोलते हैं एन बी ओ, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है जो परमाणु कक्षक हैं वो आपस में अतिव्यापन नहीं कर पाते, आपस में संयोग नहीं कर पाते, कई बार कक्षक आपस में संयोग नहीं कर पाते, तो जो ऑर्बिटल्स हमारे पास बच जाते हैं उनको हम बोलते हैं अबंधी आण्विक कक्षक या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, कई बार लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, कई बार कक्षक आपस में संयोग करने से, संयोग करने से रह जाते हैं। ठीक है, संयोग करने से रह जाते हैं, जिसके कुछ कारण निम्न हैं, जिसके कुछ कारण क्या है, निम्न है। ठीक है, कारण क्या हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि हमने जो दो परमाणु के कक्षक लिए हैं, है ना, एक की ऊर्जा ज्यादा है, एक की ऊर्जा कम है। ठीक है, दोनों की ऊर्जा समान होनी चाहिए या लगभग समान होनी चाहिए, दोनों की ऊर्जा जब लगभग समान होगी तभी वो आपस में अतिव्यापन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो पहला कारण क्या हो गया कि कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर हो, क्या हो, कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर हो, में अधिक अंतर हो, तो वो आपस में संयोग नहीं कर पाएंगे, तब हमारे पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, या फिर कक्षकों के बीच दूरी अधिक हो, कक्षकों के बीच दूरी अधिक हो, ठीक है, कक्षकों के बीच दूरी अधिक हो,
तब भी ऐसा ही होगा, ठीक है। या जो सम्मिति है, ठीक है, जो हमारे पास सम्मिति है वो सम्मिति सही नहीं हो, सम्मिति सही नहीं हो तब भी हमारे पास कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारे पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ऊर्जा उतनी ही होती है जितनी शुद्ध अवस्था में परमाणु कक्षकों की होती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे हमारे पास दो परमाणु के कक्षक हैं, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखा होगा, दो परमाणु कक्षक आपस में मिले तो आधे तो क्या होते हैं, कम ऊर्जा वाले होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और आधे ज़्यादा ऊर्जा वाले होते हैं जिनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। जब हमारे पास इनमें से कोई भी नहीं बन पाते एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तब हमारे पास इस तरीके के ऑर्बिटल बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इनकी जो ऊर्जा है वो किसके समान होती है, इनके समान होती है, ठीक है, इनका ऊर्जा स्तर इनके समान होता है। वैसे इसकी बात हमें ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। तो इनका निर्माण कैसे होता है, संपोषी व्यतिकरण के द्वारा, और इनका निर्माण कैसे होता है, विनाशी व्यतिकरण के द्वारा होता है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा, परमाणविक कक्षकों की रेखीय संयोग विधि के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास MOT ही चल रहा है, तो MOT में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, 2-4 दिन और लगेंगे MOT में, अगर अच्छे से समझना है तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।